अफेयर में दम की भराई में लाया था। दीपाकर दत्ता की बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हो गई। केजरीवाल की ओर से अभिषेक, मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजम दलीलें रख रही हैं। बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ है, आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया, आपको नोटिस भेजे गए थे, आपने नज़रअंदाज कर दिए। कोर्ट में सुनवाई 2:55 पर शुरू हुई। इसके बाद सिंघवी ने करीब 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें रखी। कोर्ट ने इस बार पूछा कि आपको अपनी बात पूरी करने के लिए और कितना समय चाहिए, हम इस पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। तिवरी से खबर, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तिवरी में सनराइज पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिक उत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओसिया विधायक भीराराम सिंहोल, तिवरी प्रधान नीलम भाटिया, रामविचार महाराज, समाजसेवी विजय कुमार गोयल, समाजसेवी कन्हैया लाल सोनी, सनराइज पब्लिक स्कूल व्यवस्थापक दुर्गादास वैष्णव के साथ आए हुए अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। लक्ष्य तक पहुँचने का जुनून होना चाहिए, विधायक भीराराम सिंहोल ने कहा। सूरतगढ़ की धान मंडी के श्रमिकों ने धान मंडी के गेट के ताला लगाकर हड़ताल की। श्रमिकों का कहना है कि गेहूं के कट्टों की सिलाई करवाने व उठाव कार्य तेज किया जाए। श्रमिकों ने धान मंडी के गेट पर प्रदर्शन किया। मौके पर विधायक डूंगर राम गेदर, ब्लॉक अध्यक्ष परसाराम भाटिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सोनी, सचिव पहुंचकर श्रमिकों के साथ धरने पर बैठे। मंडी समिति सचिव सुरेंद्र खोत, एफसीआई अधिकारी बजरंग बुर्डक के साथ वार्ता में सहमति बनने के बाद गेट खोला गया। मजदूरों से, व्यापारियों से, ठेकेदार से बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए और इस हाल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। धरना लगाया है मेरे मजदूर भाइयों ने, क्योंकि लिफ्टिंग इनकी स्लो चल रही है। एफसीआई की तरफ से गोडाउन की कमी है, गोडाउन का अप्रूवमेंट इनको मिलेगा दोपहर बाद में। ये इन्होंने आश्वासन दिया है कि लिफ्टिंग जो है वो 1.5 गुना कर दी जाएगी। इसी बाबत इन्होंने हड़ताल कर रखी है और मजदूर यूनियन की हड़ताल भी जायज है, क्योंकि कट्टों का उठाव कम हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल कम हो रहा है। सिलाई की व्यवस्था भी संपूर्ण तरीके से सही नहीं है, इनकी बिल्कुल भी नहीं है ठेकेदार की, और ठेकेदार और खुद मंडी के जो व्यापारी हैं वो खुद अपना आदमी लगा के सिलाई करवा रहे हैं, जबकि ये जिम्मेवारी सारी ठेकेदार की है। और ठेकेदार एक भी बार यहाँ पर आकर जितनी बार भी उसको फोन किया, या तो फोन स्विच ऑफ कर देता है या फोन उठाता नहीं है। आज उसको पाबंद किया गया है, कल वो सुबह सूरतगढ़ में आएगा और इनसे मिलेगा और लिखित में आश्वासन देगा इनको, इतने कट्टों की सिलाई होगी और इतने कट्टों की लिफ्टिंग होगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कट्टों की लिफ्टिंग हो, कम से कम 25,000, और ज्यादा से ज्यादा ये करे वो उनका धन्यवाद है अगर ज्यादा करे तो। और 10 दिन पहले हमने भी आपको अवगत कराया था इस मामले को लेकर, आपने बोला था कल हम ये पूरे गट्टे यहाँ से उठा देंगे। कारण क्या है, मतलब गोडाउन नहीं है, गोडाउन एक गोडाउन पहले हुआ था, उसके बढ़ने के बाद सेकंड दूसरा गोदाम अब चल रहा है, और डीएम साहब से भी और मांग की है, एमएलए साहब ने बात की है उसके बारे में, और आज तक तीसरे गोदाम के भी आज आदेश आ जाएंगे दोपहर तक या दोपहर बाद तक, वो भी चालू कर देगा तीसरा गोदाम भी अभी। बाकी पिछले वीक में जो चमक इन गेहूं की छूट आई थी, उसके बाद आवक मंडी में एक साथ ज्यादा हुई है, उसके कारण थोड़ी अव्यवस्था हो पाई थी। बाकी ठेकेदार को पाबंद किया है, 2-3 बार लेटर दिया है उसको, डीएम साहब को भी कहा है कि ठेकेदार को पाबंद कराएं कि डेली कम से कम 25,000 कट्टों की लिफ्टिंग के लिए उठाए वो। सरकारी गोदाम का ये था कि इन्होंने जो ऑनलाइन बिड हुई थी गोदामों में, उसमें सरकारी गोदाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, प्राइवेट गोदामों ने पार्टिसिपेट किया था। बिजनौर से खबर, जवानों की चेकिंग कर वसूली करते हुए नगीना पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी दरोगा के पास से पुलिस की वर्दी, नकदी और बाइक भी बरामद हुई। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है, इससे पहले 2 बार भी पकड़ा जा चुका है। दरअसल मामला बिजनौर के नगीना क्षेत्र का है, जहां एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी फर्जी दरोगा हल्दौर थाना क्षेत्र के गाँव शेरपुर कल्याण का रहने वाला सेंट्री पुत्र सोमपाल है।
बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति दरोगा की वर्दी पहने हुए है और नगीना हरेवली रोड पर खो नदी के पुल के पास वाहनों की चेकिंग कर रहा है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और फर्जी दरोगा को पकड़कर थाने ले आई। तिमरी से खबर, जहां राजस्थान माली सेना युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह गहलोत ने बताया कि बैठक में दौरान प्रतिनिधि मंडल द्वारा पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम चौधरी, ओसिया विधायक बेराराम सियोल, पाली लोकसभा प्रत्याशी पीपी चौधरी और कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत, कानून व न्याय मंत्री जोगाराम पटेल से फोन पर वार्ता कर दिव्या देवड़ा के मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग की। नेताओं और समाज के प्रतिनिधि मंडलों के दबाव को देखते हुए पाली पुलिस अधीक्षक ने 30 अप्रैल को प्रतिनिधि मंडल को पाली बुलाया है और रोहित थाना अधिकारी द्वारा अब तक किए गए अनुसंधान को लेकर आगे का अनुसंधान खुद की निगरानी में करवाने का भरोसा भी दिया है। दौसा से खबर, जहां रत्न अवार्ड शो ऐतिहासिक व भव्य कार्यक्रम में अपना अलग ही शुमार रखता है। सम्मान, सुरक्षा और मनोरंजन से भरपूर यह कार्यक्रम कड़े सुरक्षा पहरे और माकूल इंतजामों के बीच आयोजित हुआ। हजारों लोगों की मौजूदगी में आयोजित इस अवार्ड शो में दौसा जिले की 5 शख्सियतों को दौसा रत्न देकर नवाजा गया। कार्यक्रम संयोजक हैदर खान ने बताया कि दौसा रत्न अवार्ड शो की पिछले एक महीने से तैयारी चल रही थी। पूरी टीम ने जी तोड़ मन तन मन से अपना हर क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया। अवार्ड शो के मीडिया प्रभारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों के लिए सैनिटाइजर और मास्क की विशेष व्यवस्था की गई है। भीलवाड़ा से खबर, जहां दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री प्राप्त कर भीलवाड़ा लौटे अंतर्राष्ट्रीय बैरूपिया कलाकार जानकी लाल भांड का रेलवे स्टेशन पर शहरवासियों ने स्वागत किया। इसके बाद जानकी लाल भांड ने अंबेडकर सर्किल पर स्थित श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रेलवे स्टेशन से लेकर बड़े मंदिर तक खुली जीप में जुलूस के रूप में वो पहुंच रहे हैं। रस्ते में जगह जगह लोगों ने मालाएं पहनाकर बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के उनके पुत्र लादूलाल भांड, रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दलीप सोनी, कांग्रेस नेता महेश सोनी, दुर्गेश शर्मा सहित अनेक समाजजन, रामलीला परिवार के सदस्य चीर परिचित मौजूद थे। गौरतलब है कि बैरूपिया कला के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध जानकी लाल भांड को सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति जी ने, भाई जी ने हमारा बहुत ही मानता के साथ में बहुत जोरदार सम्मान किया। सभी को अलग अलग बधाई देते हुए पद्मश्री का एक एक से नंबर, एक नंबर से एक नंबर। और जो बड़ी वो जो भाई जी है राष्ट्रपति, बड़ी साधारण औरत, बड़ी समझदार औरत। देखो आज उसने बोला, देखो मेरा भाग्य जो इतने आदमियों को मुझे दर्शन मिले और बड़े आदमी बड़े अच्छुक रहे, बहुत ही प्रशंसा से। और हमारे को वापिस बाहर पीछे बड़ी लाइन से कलाकारों को सबको, पद्मश्री वालों को सबको खड़ा कर दिया और फोटोग्राफी की। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पद्मश्री मिलने के बाद, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही मेरा जीव बाल बाल गुदगुद हुआ। मैंने कहा देखो इतने बड़े आदमी अपने गरीबों की और अपने कलाकारों की मानता करते हैं, इसलिए बहुत ही बहुत बढ़िया लगा और बड़े। बारह से खबर, जहां नावदा शाहजी कस्बे में कृष्णा एकेडमी विद्यालय परिवार की ओर से रविवार को वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम झंकार प्रथम समारोह का आयोजन किया, जिसमें छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। साथ ही बच्चों द्वारा सामूहिक नृत्य पेश कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच दीपिका पारेता रही, वहीं अध्यक्षता सेवानिवृत्त उपनिदेशक आयुर्वेद श्री कृष्ण शर्मा ने की। इसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रस्तुतियां देकर अभिभावकों ने तालियां बटोरी।
सिरोही से खबर, जहां बरलूर थाना क्षेत्र के मंडवाड़ा के कर्णेश्वर गौशाला में सोमवार को अज्ञात कारणों से एकाएक भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पर बरलूर पुलिस व दो फायर फाइटर मौके पर पहुंचे और आग लगने के साथ तेज हवा के कारण आग ने भीषण रूप ले लिया। गोदाम में रखा 200 ट्रॉली सूखे चारे के साथ ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया।